नमस्कार दोस्तों, लाइफ है टीचिंग की एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पर यानी कि बहुत टाइम के बाद में अपनी फेस कैम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो या फिर अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और दोस्तों अभी आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमने पीछे वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किए थे 17 क्वेश्चन RSET का जो पीछे ओल्ड पेपर हुआ था उसके बारे में। तो दोस्तों 17 से आगे के जो क्वेश्चन है यानी कि 18 से लेकर 35 तक के, वो हम इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपने देखना है कॉम्प्लीट। और दोस्तों ये क्वेश्चन समझाने के बाद में मैं आपको इन सभी क्वेश्चन का लिंक दे दूंगा, जहां पे जाके आप इन सभी क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हो या फिर वहां पे आप इनका ओल्ड पेपर का यानी कि टेस्ट दे सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है। दोस्तों ई वॉलेट का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि डिजिटल जो बटुआ होता है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, ड्रॉपबॉक्स, वे टू SMS, मॉन्स्टर इंडिया, पेटीएम। अब दोस्तों जो इसका आंसर है वो है दोस्तों पेटीएम। अब यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है ड्रॉपबॉक्स। दोस्तों ड्रॉपबॉक्स एक क्लाउड स्टोरेज होता है, ओके, तो वो इसकी श्रेणी में नहीं आता है। और उसके बाद में वे टू SMS, यह दोस्तों एक ऑनलाइन सुविधा है, इसके जरिए हम एक दिन में 30 SMS फ्री इंटरनेट के माध्यम से किसी के पास भी भेज सकते हैं। और दोस्तों मॉन्स्टर इंडिया की बात की जाए जो कि हमें ये बताती है कि वर्तमान में कौन सी नई जॉब्स आ रही हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों पेटीएम। ओके, अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे। डीजी बहिल एक प्रकार का है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि डीजी बहिल जो प्रिंटर होता है वो किस प्रिंटर की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन आपके सामने है जैसे कि मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और दोस्तों आपको बता दूं, मैंने एक 25 मिनट की एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने एक क्लास ली थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, यानी कि पूरी डिटेल से वो क्लास बनाई हुई है। तो दोस्तों अगर आपके पास टाइम है ना तो आप उसे जरूर देख लेना, जो कि दोस्तों आपको लाइफ आई टीचिंग पर ही मिल जाएगी। अगर दोस्तों आपको नया मिले तो प्लीज आप कमेंट कर देना, तो मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, अभी चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे। वेब ब्राउजर में रिक्त स्थान पर वांछित संसाधन का URL इनपुट करें और इसे प्रदर्शित करें। यानी कि दोस्तों यहाँ पे ये इन्होंने पूछा है कि जो किसी भी वेबसाइट का URL होता है वो हमें कहाँ पर दिखाई देता है। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन कुछ इन्होंने दे रखे हैं जैसे कि होम बटन। होम बटन तो दोस्तों मैंने आपको बताया था पीछे वाली वीडियो के अंदर कि यह तो डॉक्यूमेंट के सबसे स्टार्टिंग में आने के लिए होता है। स्टेटस बार, ये लास्ट बार के थोड़ा ऊपर होती है और ये स्टेटस दिखाती है जिससे कि हमारे कर्सर की पोजीशन क्या है, हमने पेज को कितना जूम कर रखा है, हम कौन से पेज के ऊपर हैं, हमारे पास टोटल कितने पेज हैं हमारे पास, और हमारे प्रोग्राम में लैंग्वेज कौन सी यूज हो रही है। तो ये सारी यानी कि ये हमें स्टेटस दिखाती रहती है कि हम वर्तमान में क्या काम कर रहे हैं, उससे संबंधित ये स्टेटस दिखाती रहती है। हाँ दोस्तों, एड्रेस बार ही वो बार होती है जहाँ पे दोस्तों URL होता है। दोस्तों जो वेब ब्राउजर होते हैं जैसे कि गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, तो दोस्तों इनके अंदर टाइटल बार के नीचे एक URL बार या फिर एड्रेस बार होती है जिसके अंदर हम URL देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एड्रेस बार। इसके आगे जो ऑप्शन दे रखी है वो है दोस्तों स्टॉप बटन। स्टॉप बटन का इस्तेमाल इसलिए होता है कि अगर हम किसी पेज को रीलोड कर रहे हैं तो उसे बीच में स्टॉप करने के लिए, या फिर कोई पेज जो लोड हो रहा है तो उसे भी स्टॉप करने के लिए स्टॉप बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर था वो था एड्रेस बार। ओके, और मैं आपको बताता हूँ URL क्या होता है, जैसे कि www.google.com। दोस्तों यह एक प्रकार का URL ही होता है। और दोस्तों अगर पूरे URL की बात की जाए तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। आगे एक क्वेश्चन है उसके अंदर URL दिया हुआ है तो मैं आपको वहां पे बता दूंगा। ओके, तो चलिए अपने अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने। यहाँ पे दोस्तों वक्तव्य है, और आपको बता दूं वक्तव्य वाले दो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम के अंदर, तो आप इनको भी ध्यान रखें। वक्तव्य 1 को हम पढ़ लेते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम NTFS का पूर्ण रूप है। वक्तव्य 2 है, MS Excel में सेल, रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा वक्तव्य सही है, कौन सा गलत है। तो चलिए सबसे पहले तो हम फर्स्ट वक्तव्य को देखते हैं कि ये सही है या फिर गलत है। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम यानी कि NTFS। अब दोस्तों यहीं पे इसका आंसर भी है, देखो N मतलब न्यू, T मतलब टेक्नोलॉजी,
एफ मतलब फाइल, एस मतलब सिस्टम। और दोस्तों वैसे ही दोस्तों एनटीएफएस की फुल फॉर्म न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम ही होती है। तो यहाँ पे हमारा वक्तव्य वन सही है। इसके बाद में जो ऑप्शन है दोस्तों उसमें ये बताया हुआ है कि एमएस एक्सेल में सेल रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन होता है। अब दोस्तों आपको बता दूं जो हमारे एमएस एक्सेल की जो सीट होती है उसके अंदर छोटे छोटे सेल होते हैं, आपने देखा ही होगा। तो दोस्तों वो सेल बनते किससे हैं? वो बनते हैं दोस्तों रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन से। यानी कि रो और कॉलम जब आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो दोस्तों तब वहां पे एक बॉक्स बनता है जिसे कि हम सेल कहते हैं। तो इसका मतलब कि जो सेकंड वक्तव्य है ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है दोस्तों डी, यानी कि वक्तव्य एक और वक्तव्य दो दोनों सही है। ओके चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे। रिकिस्तान एक विशेष सुरक्षा प्रणाली है जो बाहरी खतरे के खिलाफ किसी संगठन के नेटवर्क की सुरक्षा के लिए डिजाइन की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं जैसे कि नैरो बैंड है, वॉइस बैंड है, ब्रॉड बैंड है और फायरबॉल है तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं ये जो नैरो बैंड है, वॉइस बैंड है, ब्रॉड बैंड है, ये तो दोस्तों एक नेटवर्क कनेक्टिविटी के एग्जाम्पल है। और दोस्तों जो फायरवॉल होती है ये होती है दोस्तों हमारी कंप्यूटर को बाहरी यानी कि इंटरनेट पे बाहरी जो सुरक्षा होती है ये दोस्तों फायरवॉल प्रदान करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो होगा दोस्तों फायरवॉल। ओके चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे। आकार और अवधि पर आरोही क्रम में नेटवर्क प्रकार की व्यवस्था का चयन करें। यानी कि दोस्तों यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि आप स्टार्टिंग से यानी कि छोटे से बड़े तौर पे आप जो नेटवर्क होते हैं जितने भी उनको क्रम वाइज करो। तो चलिए हम आपको क्रम वाइज करके दिखाते हैं। जैसे कि सबसे पहले होता है दोस्तों पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि PAN, उसके बाद में होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि LAN, उसके बाद में होता है दोस्तों MAN यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और उसके बाद में WAN, ये सबसे बड़ा होता है यानी कि वर्ल्ड एरिया नेटवर्क जो कि पूरे विश्व के अंदर होता है। चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ इनके बारे में। जैसे कि PAN होता है यानी कि पर्सनल, जैसे कि जो हम अपने एक छोटे से एरिया के अंदर रखते हैं, जैसे कि मैंने अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन किया और आपने उसे अपने मोबाइल से वाईफाई से कनेक्ट कर लिया, तो दोस्तों ये होता है PAN। और इसका एक और एग्जांपल है जैसे कि आपका और मेरा मोबाइल ब्लूटूथ से कनेक्ट है तो दोस्तों ये भी PAN के अंदर ही आता है। ओके और उसके बाद में दोस्तों LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, ये होता है दोस्तों एक जैसे कि अपना घर है, पूरा घर है, उसके अंदर लगभग 3-4 कंप्यूटर है या फिर मोबाइल है, वो अगर आपस में कनेक्ट होती हैं तो वहां पे दोस्तों वो कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों इसके अंदर एक से ज्यादा घर भी हो सकती हैं, जैसे कि एक पूरी कंपनी है तो उसका एक खुद का नेटवर्क होता है तो वो कहलाता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। ओके और इसके बाद में MAN यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये होता है दोस्तों जैसे कि अपने पूरा एक गाँव है या फिर कोई शहर है उसका जो एक नेटवर्क होता है वो दोस्तों मेट्रोपॉलिटन के अंदर आता है, और वर्ल्ड के अंदर दोस्तों पूरे विश्व का आता है और ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। ओके दोस्तों चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, निम्नलिखित के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पढ़ना है और देखना है कि कौन सा सही है। चलिए पढ़ते हैं ए नंबर ऑप्शन को। एमएस वर्ड 2010 में कट ऑपरेशन के लिए कंट्रोल एक्स का उपयोग किया जाता है और पेस्ट ऑपरेशन के लिए कंट्रोल पी का उपयोग किया जाता है। यानी कि इसने ये बोला है कि अगर आपको कट करना है तो कंट्रोल एक्स की प्रेस करनी है और अगर आपको पेस्ट करना है तो आपको कंट्रोल पी। नहीं दोस्तों इसने यहाँ पे गलत बोला है, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी ऑप्शन होती है न कि पी। कंट्रोल पी तो प्रिंट करने के लिए होता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन गलत है। चलिए बी ऑप्शन पढ़ते हैं। एमएस वर्ड 2010 में कट ऑपरेशन के लिए कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किया जाता है और पेस्ट ऑपरेशन के लिए कंट्रोल प्लस पी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सेम वही गलती इसने यहाँ पे कर दी, जैसे कि इसने यहाँ पे कट के लिए कंट्रोल सी बता दिया, बट कट के लिए क्या होता है, कट के लिए कंट्रोल एक्स होता है, और पेस्ट के लिए ये तो मैंने अभी आपको बताया था कि पेस्ट के लिए कंट्रोल वी होता है न कि कंट्रोल पी। कंट्रोल पी तो प्रिंट करने के लिए होता है, तो इसका बी ऑप्शन भी गलत है। चलिए आगे वाले को देखते हैं। एमएस वर्ड 2010 में कंट्रोल एस का उपयोग सेव करने के लिए किया जाता है और कंट्रोल यू का उपयोग सेव एज करने के लिए किया जाता है। नहीं दोस्तों इसने यहाँ पे फिर से गलत कर दिया, कंट्रोल एस तो सेव करने के लिए होता है मान लेते हैं, बट दोस्तों कंट्रोल यू अंडरलाइन करने के लिए होता है न कि सेव एज करने के लिए, तो यहाँ पे ये भी इसने गलत बता दिया। चलिए आगे वाला डी नंबर ऑप्शन देखते हैं। एमएस वर्ड 2010 में कंट्रोल जेड का उपयोग अंडू ऑपरेशन के लिए किया जाता है और रीडू ऑपरेशन के लिए कंट्रोल वाई।
रीडू मतलब दोस्तों रिपीट करने के लिए, तो यहाँ पे इसने कंट्रोल जेड के लिए तो बता दिया कि अंडू, और रीडू यानी कि रिपीट करने के लिए कंट्रोल वाई बताया है, तो ये इसका बिल्कुल सही है। ओके, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए पढ़ते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन को। एमएस एक्सेल 2010 में निम्न में से किस चार्ट में केवल एक चार्ट डेटा श्रृंखला होती है और सभी मान सकारात्मक होना चाहिए? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों पाई चार्ट। जी हाँ दोस्तों, पाई चार्ट के अंदर ही डेटा की ओनली एक ही श्रृंखला होती है, बाकी किसी भी चार्ट के अंदर नहीं होती। और दोस्तों यहाँ पे एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, चार्ट के बारे में एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, आप उसे जरूर 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 रीड कर लेना। अगर दोस्तों आपके पास बुक है तो बुक के अंदर दोस्तों एमएस एक्सेल का जो चैप्टर है उसके अंदर जाइए और एक्सेल के जो चार्ट होते हैं उनकी सभी की जो परिभाषा होती है वो जरूर जरूर रीड कर लेना। और दोस्तों अगर आप में से किसी के पास बुक नहीं है तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं अपना जो आरएसटीटी का ग्रुप है उसके अंदर उसकी फोटो डाल दूंगा। वैसे यहाँ पे एक बात और आ गई है दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमने टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और दोस्तों इसी के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप वहां पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पे दोस्तों हम समय समय पर आपको अच्छी अच्छी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो चलिए आते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन पे। एमएस वर्ड 2010 में आप रिक्त स्थान का उपयोग कर पाठ की रेखा के ऊपर छोटे अक्षरों को लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखी है जैसे कि ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, सबस्क्रिप्ट, सुपर सबस्क्रिप्ट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पाठ के ऊपर छोटे अक्षर यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड कलर में लिखा है 12th यानी कि 12th मैंने लिखा है, आपने देखा होगा जैसे कि हम स्क्वेयर लगाते हैं जैसे कि 5 की स्क्वेयर 4, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये लिखा हुआ है 12th 12 और th, तो इस प्रकार से हमें कोई अक्षर लिखना होता है तो उसके लिए कौन सी ऑप्शन हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी, इन्होंने यहाँ पे ये पूछा है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखी है ग्रो फ्रंट दे रखा है, इसका मतलब होता है कि हमारा जो टेक्स्ट का साइज है उसे बड़ा करना, और श्रिंक फ्रंट का मतलब है दोस्तों जो हमारा टेक्स्ट का साइज है उसे छोटा करना, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। और इसके बाद में सबस्क्रिप्ट दे रखा है, यह दोस्तों किसी अक्षर के नीचे वाले अक्षर में लिखने के लिए होता है, जैसे कि H2O अगर हमें लिखना हो तो जैसे कि H होगा 2 पैर में आएगा और O फिर ऊपर आएगा, तो इसका मतलब कि ये जो सबस्क्रिप्ट है यह दोस्तों पैर में लिखने के लिए होता है। इसके बाद में जो आगे का ऑप्शन है सुपर सबस्क्रिप्ट, यही दोस्तों हमारी सही ऑप्शन है, इसी का इस्तेमाल दोस्तों हम किसी अक्षर के ऊपर अगर कुछ लिखना हो तो उसके अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों सुपर सबस्क्रिप्ट। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमने बताना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। ऑप्शन आपके सामने है जैसे कि लिनक्स दे रखा है, गूगल क्रोम दे रखा है, एमएस डॉस दे रखा है और गूगल एंड्रॉइड दे रखा है। तो दोस्तों जो लिनक्स या लिनक्स होता है यह दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और जो गूगल क्रोम होता है ये दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, ये होता है दोस्तों वेब ब्राउजर। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है दोस्तों बी। इसके अलावा यहाँ पे एमएस डॉस दे रखा है, ये भी दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, पर दोस्तों आजकल इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता, इसका इस्तेमाल पहले होता था। इसके बाद में डी नंबर ऑप्शन है गूगल एंड्रॉयड, यानी कि दोस्तों जो हमारे एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो गूगल एंड्रॉयड होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था बी यानी कि गूगल क्रोम। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 है, विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट का उपयोग क्या है? यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है ए। चलिए इसे हम पढ़ते हैं, आप एकाधिक विंडोज के साथ एकल स्क्रीन पर एकाधिक एप्स चला सकते हैं, यानी आप एक विंडो में एक दस्तावेज लिख सकते हैं, अपने ट्विटर फीड को दूसरे में देख सकते हैं, इसी तरह और भी देख सकते हैं। दोस्तों जो स्नैप असिस्ट होता है इसके माध्यम से हम अपनी एक ही स्क्रीन में बहुत सारे विंडोज को एक साथ ओपन कर सकते हैं। ओके, ये होता है दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीके से इसका वर्णन। ओके, अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे। 3D प्रिंटर का उपयोग क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे हमसे 3D प्रिंटर का उपयोग इन्होंने पूछा है, तो चलिए हम ऑप्शन को पढ़ते हैं, भौतिक वस्तुओं का निर्माण करता है। जी हाँ दोस्तों, 3D प्रिंटर जो होते हैं वो भौतिक वस्तुओं का निर्माण ही करते हैं, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देर के हैं, A4 आकार के पेपर पर 3D ऑब्जेक्ट प्रिंट करता है। नहीं दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि A4 के आकार पर ही ये प्रिंट करता है, ये कहीं पे भी प्रिंट कर सकता है।
इसके बाद में सी नंबर ऑप्शन को भी हम पढ़ते हैं, कंप्यूटर मॉनिटर पर 3D मानचित्र नेविगेट करता है। नहीं दोस्तों, ये बात भी गलत है, क्योंकि यह मॉनिटर पर ही नहीं करता, ये तो दोस्तों कागज पर भी करता है। तो सी भी गलत है, और डी प्रोजेक्टर पर 3D फिल्म दिखाता है। और दोस्तों ये तो सरासर गलत ही है, क्योंकि दोस्तों प्रिंटर प्रिंट करने के लिए होता है, न कि 3D फिल्म दिखाने के लिए। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे। रिकिस्तान एक सेवा मॉडल है जिसमें डेटा को अनुरक्षित रखा, प्रबंधित रखा जाता है, दुरुस्त रूप से बैकअप लिया जाता है, और नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध करवाया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, वर्चुअल नेट, क्लाउड स्टोरेज, कोर i3। तो दोस्तों कोर i3 तो एक जनरेशन है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ये नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों क्लाउड स्टोरेज। और दोस्तों आपको बता दूं, क्लाउड स्टोरेज से संबंधित भी पीछे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, और आने वाले एग्जाम में भी दोस्तों क्लाउड स्टोरेज से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि ड्रॉपबॉक्स होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव होता है, गूगल का ड्राइव होता है, ये सभी क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण होती हैं। तो दोस्तों आप ध्यान रखें, आप इसके बारे में भी जरूर पढ़ लें। ओके, अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे। निम्नलिखित में से कौन सा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो होता है दोस्तों कैश मेमोरी। और यहाँ पे इसके अलावा जैसे कि हार्ड डिस्क है, यह तो दोस्तों डेटा स्टोर करने के लिए हमारे कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है, CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीराइटेबल और जॉयस्टिक, ये तो दोस्तों पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होती है। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे। 1 GB इक्वल होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1024 KB के इक्वल क्या होता है, 1024 MB के इक्वल क्या होता है, 1024 GB के इक्वल क्या होता है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि 8 बिट होती हैं, उनका 1 बाइट बनता है, और 1024 बाइट होती हैं, उनका 1 KB बनता है, और 1024 KB का 1 MB बनता है, 1024 MB का 1 GB बनता है, 1024 GB का 1 TB बनता है। ओके, तो इस प्रकार से अगर आपको पता होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। वैसे दोस्तों इसका आंसर है ए, यानी कि 1 बिलियन बाइट, यानी कि दोस्तों 1 GB होता है वो 1 बिलियन बाइट के बराबर होता है। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे। MS Excel 2010 में आप डेटा आयात कर सकते हैं? चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं पहले तो। MS Access डेटाबेस से, वेब पेज से, टेक्स्ट फाइल से, उपयुक्त सभी से। अब दोस्तों अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो इन्होंने क्या बोला है, MS Excel 2010 में आप डेटा आयात कर सकते हो, यानी कि MS Excel में आप कहां कहां से डेटा लेके आ सकते हो। आयात करने का मतलब, थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, देखो इन्होंने कितना घुमाया है क्वेश्चन को, इन्होंने यहाँ पे जानबूझ के आयात लिखा है। यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि आप डेटा लेके आ सकते हो, पर नहीं दोस्तों, इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए बस यहाँ पे आयात शब्द का इस्तेमाल किया है। वैसे इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल शब्दों में बोला जाए तो ये होगा कि MS Excel में हम किस किस फाइल से डेटा को लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है दोस्तों डी, यानी कि हम MS Excel के अंदर एक्सेस से, वेब पेज से और टेक्स्ट फाइल से डेटा लेके आ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर डी है। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन को पढ़ लेती हैं। URL का सही उदाहरण क्या है? तो दोस्तों आपको बता दूं, मैंने URL की आपको फुल फॉर्म भी स्टार्टिंग में बता दी थी, जैसे कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पे दोस्तों जो ए ऑप्शन है वो इसका सही उदाहरण है, जिसके अंदर जैसे कि HTTP, यहाँ पे :// www.example.com/index.html, तो ये होता है दोस्तों URL। जैसे कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आगे एक क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर URL दिया हुआ होगा, तो मैं आपको बता दूंगा, तो इसको आप ध्यान से देख लो। यानी कि URL के अंदर दोस्तों HTTPS होते हैं और www होता है। ओके, और दोस्तों इसके नीचे वाले हैं वो दोस्तों ईमेल के एग्जांपल दे रखे हैं इन्होंने यहाँ पे, जैसे कि index@example.com, RSCIT@vmou.ac.in, जैसे कि 103@456.com। ये दोस्तों नीचे वाले तीन है ना, ये दोस्तों ईमेल के एग्जांपल हैं, न कि URL के। तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर कोई URL होता है तो उसके अंदर या तो स्टार्टिंग में HTTPS होंगे या फिर दोस्तों www होगा। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे। मान लीजिए कि आप इंटरनेट से एक्सेल फाइल डाउनलोड करते हैं और आप MS Excel 2010 में खोलते हैं,
तो यह खुलेगी। यानी कि दोस्तों इन्होंने ये पूछा है कि अगर आप कोई फाइल यानी कि एक्सेल की फाइल इंटरनेट से डाउनलोड करते हो और आप उसे ओपन करते हो तो वह एमएस एक्सेल के कौन से व्यू के अंदर ओपन होगी। तो यहाँ पे कुछ व्यू दे रखे हैं जैसे कि प्राइवेट व्यू, पब्लिक व्यू, बैक स्टेज व्यू और प्रोटेक्टेड व्यू। तो यहाँ पे जो सबसे पहली ऑप्शन है इन्होंने बताया कि प्राइवेट व्यू। अगर दोस्तों इंटरनेट पे कोई फाइल है तो वो दोस्तों प्राइवेट व्यू के अंदर नहीं हो सकती, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है। पब्लिक व्यू हाँ ये हो सकता है, यानी कि इंटरनेट पे जितनी फाइलें होती हैं वो पब्लिक को दिखाने के लिए ही दी होती हैं, तो ये इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। और इसके अलावा बैक स्टेज व्यू ये भी इसका गलत है। और प्रोटेक्टेड व्यू में दोस्तों तब ओपन होती है जब किसी फाइल को लॉक किया गया होता है। ओके तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों पब्लिक व्यू के अंदर। ओके और इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं, मैंने अपना काम कर दिया, आप प्लीज लाइक बटन को प्रेस कर दो। ओके दोस्तों आपके समझ में आ गए होंगे सभी क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन आपके समझ में नए आए तो नो प्रॉब्लम, कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने RSVT दोस्तों के साथ ताकि उनके भी हेल्प हो सके। और हाँ अगर आपने पीछे वाली क्वेश्चन 17 क्वेश्चन नहीं देखी है तो उनको जरूर देखना। और दोस्तों ये क्वेश्चन करने के बाद में जरूर आप आसानी से RSVT एग्जाम में पास हो सकते हो। और हाँ मैंने आपको बताया था ना कि मैं इन सभी क्वेश्चन की आपको लिंक देने वाला हूँ, तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, उनका मॉक टेस्ट दे सकते हो। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक लाइफ टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और इस कैप के बारे में मैं आपको बताता हूँ ये मैंने क्यों लगाई है। ये दोस्तों क्या है ना, मेरे बाल थोड़े से खराब थे तो मैंने लगा ली है। बाकी अगर वीडियो में कोई गलती हो तो माफ करना। चलिए मिलते हैं फिर RSVT की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।